हेलो स्वीन, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। स्वीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी वैकेंसी 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा, इसका लास्ट डेट समाप्त हो चुका है, जो कि 26 मई 2023 तक रखा गया था और इसका एग्जाम बहुत ही जल्द होना है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिरकार जो भी कहें इस फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या काम करना पड़ेगा, कितनी सैलरी मिलती है, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने भी फॉर्म फिलअप कर रखा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल-पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि आखिर क्या जो भी कैंडिडेट इसमें जॉब ले लेते हैं उनको कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए साफ तौर मेंशन किया गया है, लेवल 3 के अनुसार आपको 21,000 रुपया से सैलरी आपका स्टार्ट होगा, जो कि 69,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। तो बहुत यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाता है, तो सैलरी को लेकर बिल्कुल आप टेंशन न लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके जॉब लोकेशन के बारे में कि आखिरकार जॉब लगने के बाद आपको कहां पर काम दिया जाता है, कहां ड्यूटी करना होता है। तो देखिए, बिहार का ये जॉब है, आपको बिहार के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको जॉब दिया जाएगा, यानी कि बिहार के बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा, बिहार के अंदर ही आपको सिक्योरिटी गार्ड का यहां पे काम दिया जाएगा। इसके यहां पे देखिए नीचे एग्जाम पैटर्न के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि यहां पे आप देख पाएंगे। साथ ही मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं एग्जाम पैटर्न से संबंधित, कि अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हैं और बेस्ट बुक की खोज कर रहे हैं तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट बहुत ही अच्छी बुक हो सकती है। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सुरक्षा प्रहरी वैकेंसी 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चशु प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है और आपके लिए बेस्ट बुक क्यों हो सकती है। 1900 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक की और खासियत मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सिलेबस है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे मेंशन किया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर पूरे डिटेल मेंशन किया गया है। और जब नीचे आएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपकी एग्जाम की तरह। तो बिल्कुल आप इस बुक को बाय कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड इसके काम के बारे में कि आखिरकार काम आपको क्या करना होगा, वर्क क्या करना होगा। तो देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है, जिससे कि इसका नाम है सुरक्षा प्रहरी, या फिर इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो आपको सुरक्षा करना है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है किसी सामान का, या फिर कहीं ना कहीं आपको ड्यूटी देकर देख रेख करना होगा, यानी कि आपको सिक्योरिटी का काम करना है, सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सैलरी के बारे में आपको बता दिया क्या काम करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड का ये जॉब है, सुरक्षा प्रहरी का जॉब है, यानी कि आपको पारा देना होगा, आपको यहाँ पे रखवाली करना होगा। और इसके सैलरी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या काम करना होगा, कहाँ लोकेशन दिया जाएगा, मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। जो आपका जॉब लोकेशन आएगा बिहार के अंदर ही रहेगा, कहीं आपको दूसरे स्टेट में भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। साथ ही आपको इस वीडियो संबंधित या फिर बिहार सुरक्षा प्रणाली संबंधी कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय।